अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे निधि समर्पण अभियान में अब तक करीब 1500 करोड़ रुपए आ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर निर्माण के लिए सोना चांदी भी राम भक्तों द्वारा दान किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल अपने समर्थकों के साथ अयोध्या पहुँचे और कार सेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा को एक चांदी की शिला भेंट की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा कि प्रतीक स्वरूप चांदी की एक ईंट भगवान के लिए प्रस्तुत की है, वे उसको स्वीकार करते हैं। अनिल मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर निर्माण में अब तक 400 किलो चांदी राम भक्तों द्वारा भेंट की जा चुकी है, जबकि उन्होंने चांदी लेना से मना कर दिया था। बहुत ही श्रद्धा से जिन लोगों ने इकट्ठा करके रखा है, ऐसा लगता है कि वहां रखा है और लेना जरूरी है, उन्हीं से लिया जा रहा है। अभी हमारे लाकर में जगह नहीं है और चांदी हम स्वीकार करके रखेंगे, कहां ये अभी सोचना पड़ेगा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी मंदिर निर्माण में तब वो लगेगा। इसलिए लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि धातु के रूप में दान ना दें, उसको रखने की उनके पास समस्या है। आपने प्रतीक स्वरूप चांदी की एक ईंट भगवान के लिए प्रस्तुत किया है, हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप सबको अपना स्नेह और आशीर्वचन प्रदान करें। वैसे ये अपना अभियान पिछले 15 जनवरी से मकर संक्रांति से प्रारंभ हुआ है। अभियान का जो अनुभव मिल रहा है वो बहुत व्यापक, समाज ने खुल करके भगवान राम के मंदिर के लिए सभी सीमाएं लांघकर, चाहे वो अर्थ की सीमा हो, कहे सामाजिक बंधनों की सीमा हो अथवा क्षेत्र की सीमा हो, सब सीमाओं से ऊपर उठ करके भगवान राम के अपने भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के लिए खुले मन से, खुले हाथ से अपना सहयोग प्रदान किया है। आज उसकी एक परिणति आप हम सब यहाँ देख रहे हैं। देश के दलितों की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ट्रस्ट ने आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर के लिए एक चांदी की शिला भेंट की है और इसके पीछे यही मकसद है, यह संदेश देना है इस देश के दलितों को और पूरे देश के नागरिकों को कि प्रभु श्री राम देश के दलितों की आस्था के केंद्र हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जब वनवास गए थे तो उस समय जो उनके साथ थे वे आदिवासी थे, गिरिवासी थे और वंचित समुदाय के लोग थे। पूरे देश में बहुत ही श्रद्धा के साथ दलित समाज के लोग इस मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग कर रहे हैं। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि भगवान राम सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा के आदर्श, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का दलित समाज राम मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहा है। आगे ये भी बताया कि राम मंदिर निर्माण से देश में सौहार्दपूर्ण संदेश गया है, हमारा समाज राम मंदिर निर्माण से काफी उत्साहित है।